और दोस्तों क्या हाल है, मैं नितिन और आ गया हूँ सभी के लेकर एक और नई फ्रेश वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये एक बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं U20 वर्सेस U10 का कंपैरिजन। दोस्तों चलिए कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं फटाफट से U20 का U10 के साथ और देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या सेम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट मेमोरी वेरियंट्स की और प्राइसिंग की। U10 की अगर मैं बात करूँ तो आपको U10 में तीन डिफरेंट कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाते हैं, 3+32, 3+64 और 4+64। 3+32 की जो प्राइसिंग है वो है 9,000 रुपए, 3+64 की जो प्राइसिंग है वो है 10,000 रुपए और 4+64 की जो प्राइसिंग है वो है 11,000 रुपए। इधर ही आपको U20 के अंदर सिर्फ दो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, एक है 4+64 और एक है 6+64। 4+64 की जो कीमत रखी है कंपनी ने वो रखी है 11,000 रुपए और 6+64 की जो कीमत रखी है वो रखी है 12,000 रुपए। वेरियंट्स और प्राइसिंग के बाद में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों फोन के अंदर आपको क्या अलग देखने को मिल जाता है। जो सिमिलरिटीज है वो वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है, जो नोटिसेबल डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो आपको U10 के अंदर 6.35 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और U20 के अंदर आपको वहीं देखने को मिल जाता है 6.53 इंच का FHD+ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में एक मेजर बूस्ट है, मेजर चेंज है। डेफिनेटली U20 के ऊपर ज्यादा बेटर डिस्प्ले इन कंपैरिजन टू U10। डिस्प्ले के बाद अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें तो आपको U10 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वहीं आपको U20 के अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ U10 के अंदर जो आपको GPU मिल जाता है वो मिलता है एड्रीनो का 610 और U20 के अंदर आपको जो GPU मिलता है वो मिलता है एड्रीनो का 612। प्रोसेसर और GPU के बाद हम बढ़ चलते हैं कैमरा की तरफ। दोनों के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, रियर में फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोनों के कैमरास के अंदर स्पेसिफिकेशंस के अंदर काफी डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। आपको Vivo U10 के अंदर देखने को मिल जाता है 13 MP f/2.2 का वाइड एंगल लेंस एज अ प्राइमरी लेंस। उसके साथ उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 8 MP का f/2.2 अल्ट्रा वाइड लेंस और बाद में जो थर्ड और लास्ट लेंस है वो है 2 MP का f/2.4 डेप्थ सेंसर। और वहीं अगर मैं U20 के कैमरा सेटअप की बात करूं तो आपको 16 MP का f/1.8 का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, उसके नीचे 8 MP f/2.2 का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और साथ के साथ थर्ड और जो आखिरी लेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा 2 MP का f/2.4 मैक्रो लेंस। तो यहाँ पर एक मेजर चेंज है, आपको 13 MP से 16 MP का अपग्रेड मिल रहा है। सिर्फ मेगापिक्सल साइज में ही नहीं, अपर्चर में भी आपको मिल रहा है। f/1.8 में डेफिनेटली ज्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक होगी। साथ के साथ आपको डेप्थ सेंसर नहीं मिलता U20 के अंदर, उसके जगह आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है। तो डेफिनेटली U20 के अंदर बेटर कैमरा सेटअप है इन कंपैरिजन टू U10। वहीं अगर हम लोग फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो अगेन U20 के अंदर बेटर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। U10 में 8 MP f/1.8 अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा है और वहीं U20 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 16 MP का f/2.0 का सेल्फी कैमरा। U10 और U20 के अंदर मेजरली यही डिफरेंस था, डिस्प्ले साइज का डिफरेंस था, कैमरा का डिफरेंस था, GPU CPU का डिफरेंस था, साथ के साथ वेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हुई बात जो दोनों फोन के अंदर मेजर डिफरेंसेस है उनके बारे में। बाकी अगर मैं बैटरी की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ के साथ दोनों के अंदर ही आपको इन द बॉक्स 18W का डुअल इंजन फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो वहां पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा दोनों के अंदर OS भी सेम है, दोनों में फ्रंट टच OS 9.1 है जो कि बेस्ड एंड्रॉइड 9.0 के ऊपर। स्पेसिफिकेशंस के अलावा अगर हम लोग जो लुक्स है दोनों फोन की उनकी बात करें तो आपको दोनों में डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन दोनों का बैक पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। दोनों में आपको ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, दो डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। वो अपनी मैं कहूंगा कि प्रेफरेंस है, दोनों फोन ही देखने में काफी सुंदर लगते हैं। जो इनका बजट सेगमेंट है 9000 से लेकर 12000 तक का, उसमें दोनों ही बहुत अच्छे दिखने वाले फोन है। दोस्तों Vivo U20 और U10 में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज थी, वो दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दी है। इस वीडियो में ज्यादा बाकी कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है, तो इस वीडियो को फटाफट से एंड कर लेते हैं। और एंड में मैं जो सब कुछ रिक्वेस्ट करता हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी इन्फिनिक्स S5 का एक गिव अवे चल रहा है। गिव अवे के वीडियो का लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप लिंक को क्लिक करके उस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगेन जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन उसको प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन अगेन जाने से पहले मैं कह रहा हूं मैंने अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन लिंक्स को विजिट कीजिए और मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कीजिए, वहां पे मैं डायरेक्ट मैसेजेस का डायरेक्टली रिप्लाई करता हूँ। चलिए तो आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी ही एक और नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।